और ये स्पिन भी होता है, ये नीचे वाला भी स्पिन होता है और ये ऊपर वाला भी स्पिन होता है। और ये कांच का नहीं है, ये प्लास्टिक का डब्बा है। और ये एक्चुअली इसमें और भी कुछ डिज़ाइन थे, मतलब स्क्वायर बॉक्स टाइप का भी डिज़ाइन था, और भी कुछ डिज़ाइन थे, तो आप आपके अकॉर्डिंग इसको परचेस कर सकते हैं। मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा और इसमें मैंने ऐसा लिख के भी रखा हुआ है जो भी मसाला मैं यूज़ करती हूँ। ये स्टील का रैक, ये कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। ये स्टील का है स्टोरेज रैक। एक्चुअली जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तो मुझे लगा छोटा सा आएगा, बट देन जब रिसीव हुआ तो काफ़ी स्पेस है, ये बड़ा है और कुछ इस तरह का दिखता है ये। इसमें आप कप्स रख सकते हैं, प्लेट्स रख सकते हैं, अगर किचन में अच्छे से सजा के अगर इसको आप रख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मीशो में क्या होता है, मीशो में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिलते हैं। तो ये चॉपिंग बोर्ड एक जिस तरह का दिखता है और ये वुडन चॉपिंग बोर्ड है और यहाँ पे इसका यहाँ पे एक नोट लगा है, आपको अगर कहीं पे भी टंगाना होगा तो आप किचन में टंगा सकते हैं। और इसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, ये अच्छा भी है, ये दिख रहा है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके जो प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। इस वाला जो है वो है ये कप, ये कुछ इस तरह का दिखता है गाइस। ये कप का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, आप अगर किचन में इसमें किसी को चाय पीने के साथ कर देना तो स्पेशली इसका जो डिज़ाइन है बहुत आर्टिस्टिक है, यहाँ पे उनका पक्का शो नजर जाएगा। तो ये जो और इसके कलर भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आए हैं, मैं दिखा दूंगी आपको। तो ये जो सेलर्स है उनके पास सेम डिज़ाइन का मतलब चाय का ग्लास होता है हम जो टपरी में पीते हैं, वो चाय का ग्लास ही वैरायटी कलर में सेम प्रिंट का आपको चाय का ग्लास भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टैंड, ये चकला बेलन तवा स्टैंड, ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप जो बेलन रख सकते हैं और यहाँ पे तवा चकला रख सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ ये आप टंगा भी सकते हैं, स्टैंड भी है रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये कप स्टैंड। एक्चुअली ये वाला और वो जो चकला वेलन वाला ये मैंने एक ही साथ ऑर्डर किया था, बिकॉज मेरे को कप रखने के लिए चाहिए था। आपके अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं, ये अलग अलग भी आता है। इस तरह का दिखता है स्टैंड, चकला बेलन तवा रोटी बनाने का सारा सामान एक ही जगह पे आप रख सकते हैं। और ये वाला जो कप का स्टैंड है और ये सारे कलर्स है जो कप मैं ऑर्डर की थी और काफ़ी ऑर्गेनाइज और सुंदर दिख रहा है। और ये वाला जो दूसरा वाला जो स्टैंड है वो है ये डब्बा, कुछ इस तरह का दिखता है ये डब्बा। ये टोटल मुझे 8 डब्बे रिसीव हुए थे, जो जो पतला वाला प्लास्टिक आता है उस टाइप का डब्बा नहीं है, मोटा वाला प्लास्टिक का डब्बा है। काफ़ी अच्छे क्वालिटीज के डब्बे हैं और इसका ग्रीन और वाइट के इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है और आपके किचन को एक अच्छा लुक भी देगा। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये डब्बे, जब मैं मुझे रिसीव हुए मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैं उनको यूज़ भी कर रही हूँ। एक बार मेरे हाथ से भी ये गिरा था फिर लेकिन टूटा नहीं, इसलिए मैं बोली जो अच्छा वाला मोटा वाला प्लास्टिक आता है उसका है, पतला वाला प्लास्टिक का नहीं है। यार ये मुझे हमें
हमेशा से चाहिए था और काफी यू नो क्यूट भी दिख रहा है। इसमें आप मिल्क शेक हो गया, जूस वगैरह, इसको अच्छे से मतलब फिलअप करके डिजाइन करके आप यू नो सर्व कर सकते हैं। जब मैं इसको ऑर्डर की थी मुझे लगा डिफरेंट कलर के आएंगे बट सेम ही कलर का आ गया ये। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम था, मैं जो जब इसको ऑर्डर की थी मैं जो फर्स्ट रिसीव की थी वो जो आया था मेरे पास टूटा हुआ आया था। फिर मैं रिफंड का मतलब रिफंड के लिए अप्लाई करने वाली थी, देन सोची कि एक बार एक्सचेंज करके देख लेते हैं। फिर जब दूसरी बार आया तो प्रोडक्ट अच्छा आया था, कुछ नहीं मतलब टूटा हुआ नहीं था और बट वही है कि सेम कलर का यू नो डब्बा आ गया। मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट कलर का आएगा बट सेम कलर का ही जा रहा है, मैं डब्बा बोल रही हूँ सॉरी। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये छाबड़ी। ये फ्रीज में आप जो इधर जो ये ऐसे फ्रीज में जो रैक आता है ना, फ्रीज में आप इसको लगा के रख सकते हो। इसमें आप फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स जो भी स्टोर करना है कर सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। ये भी मेरे बहुत काम का आ रहा है। लास्ट वाला है ये किचन एप्रन। ये कुछ यू नो बहुत ही क्यूट दिख रहा है इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये वाले जो सेलर है मतलब ये सेम ये का आपको और भी डिज़ाइन मिल जाएंगे, वाटरमेलन पाइनएप्पल, वाटरमेलन तो ये है सॉरी, पाइनएप्पल नींबू ऐसा कुछ आपको यू नो क्यूट क्यूट डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये वाला किचन एप्रन है। ओके ये लास्ट प्रोडक्ट है, इतना ही प्रोडक्ट लिया था मैंने मीशो से। सो इतने ही प्रोडक्ट है गाइस, मीशो से इतना ही प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था। जैसे कि मैंने आपको बोला मीशो में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। इसमें क्या है ना, मीशो में प्रोडक्ट के लिंक नहीं होते हैं, वो नंबर होता है, कोड होता है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये सबके कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। और आप अगर मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं मीशो तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 30% ऑफ या फिर मैक्सिमम 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।